स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट माई चैनल पूनम पन्नू इंग्लिश पॉइंट। द साउंड ऑफ म्यूजिक। दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पार्ट वन, एवेलिन ग्लेन इज लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। मीन्स दिस चैप्टर इज डिस्क्राइबिंग हेयर अबाउट अ गर्ल नेम्ड एवेलिन ग्लेनी whose hearing power has been impaired. Now she listens the music but without hearing. So let's read the chapter. Before you read, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. यहाँ पे narrator का जब interaction होता है Evelyn Glennie के साथ, तब नैरेटर बताता है आपको कि माना भगवान ने उसकी हियरिंग पावर को ले लिया है, लेकिन कुछ ना कुछ बैक में, बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑनरी दिया है। मींस द गर्ल हैज़ लॉस्ट हर हियरिंग पावर बट समथिंग हैज़ बीन गिवन टू फील सो दैट सी कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ। व्हाट वी हियर सी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जो कुछ हम सुनते हैं, सी फील्स दैट थिंग, और कहीं हमारे से भी ज़्यादा डीपली। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसिस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही रीज़न है जब म्यूज़िक की बात आती है तो हमसे कहीं ज़्यादा सी एक्सप्रेसिस हर फीलिंग्स इन म्यूज़िक वेरी ब्यूटीफुली। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story. जो आपको नीचे एक excerpt given है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक ऐसे person के बारे में बताया गया है जो disable है but वो अपनी disability के against लड़ता है और अपनी life को एक successful story बताता है। Rus R crowd jostle for position on the underground train platform. यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड दे आर जोसलिंग फॉर द पोजीशन ऑन द प्लेटफॉर्म। जोसल होता है पुश, रफली, जो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन प्लेटफॉर्म पे बनाने के लिए, ताकि जब ट्रेन आए तो दे कैन हैव देयर सीट्स। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। उस भीड़ में एक दुबली पतली गर्ल के बारे में बताया गया है। स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन गर्ल हु इज़ लुकिंग यंगर एंड सी इज़ नियर 17 ईयर्स ओल्ड। सी वॉज नर्वस, सी वॉज लुकिंग समथिंग नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। जैसे ही वो फील करती है दैट द ट्रेन इज़ कमिंग, एट द टाइम हर नर्वसनेस टर्न्स इन टू एक्साइटमेंट। वो नर्वसनेस उसकी एक्साइटमेंट में बदल जाती है जैसे ही वो ट्रेन की आवाज़ को सुनती है कि भी ट्रेन अभी आ रही है। मीन्स सी फील्स द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। बिकॉज आज फर्स्ट डे है, सी इज़ गोइंग टू टेक एडमिशन और सी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish form, because she belongs to Scotland, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, इसीलिए कहीं ना कहीं लंदन में जाके म्यूज़िक अकेडमी में जाके एडमिशन लेना, वहाँ पे म्यूज़िक को सीखना, दैट वॉज समथिंग थ्रेटनिंग। डोंटिंग मीन्स समथिंग थ्रेटनिंग उसे लग रहा था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज। लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन है, एस्पायरिंग मीन्स समवन हु वांट्स टू बी ए परफेक्ट म्यूजिशियन, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बिगर चैलेंज था कंपैरेटिवली अस। सी वाज प्रोफाउंडली डीप, बिकॉज सी वाज डीपली डीप, वो बिल्कुल जैसे हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो सुनने की शक्ति उसमें नहीं थी, इसीलिए कहीं ना कहीं उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। एवेलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लेनी का जो हियरिंग का जो कम होना है वो धीरे धीरे हुआ। मीन्स पहले वो अच्छी तरह सुनती थी, लेकिन जब बाद में उसकी जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे कम हो गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द 8-year-old गर्ल एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर उस
टाइम को याद करती है जब व्हेन सी वाज 8 ईयर ओल्ड एंड सी वाज प्लेइंग द पियानो पियानो हर मदर नोटिस दैट सी इज नॉट लिसनिंग हर। उसकी मदर को जब पता चलता है कि वो उसकी बात को नहीं सुन पा रही है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत है, जब वो 8 साल की थी और पियानो बजा रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव। जब उसकी मदर उसका नाम बुलाती है और वो नहीं हिलती, सी डोंट रिस्पोंड। एट द टाइम हर मदर फील दैट समथिंग इज गोइंग टू बी रोंग। हर मदर सेज इजाबेल ग्लैनी इज द नेम ऑफ हर मदर। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ टाइम के लिए एवेलिन अपनी डीफनेस को दूसरों से छिपाने में काफ़ी कामयाब रही, स्पेशली फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। बट बाय द टाइम सी वाज 11 हर मार्क्स हैड डेट्रॉयड। लेकिन जब वो 11 ईयर ओल्ड थी तब उसकी कहीं ना कहीं वो डीफनेस जो उसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी वो सबके सामने आ गई। एंड हर मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और उसके हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाए। मीन्स दे मस्ट कंसल्ट टू द स्पेशलिस्ट फॉर हर इम्पेयरिंग द हियरिंग पावर। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, क्योंकि उस टाइम पर यह पता लग गया था जो इसकी हियरिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा उसका लॉस हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से नहीं सुन पा रही है। उसके पेरेंट्स ने भी नोट कर लिया था, इसीलिए कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास उनके हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें जाने के लिए सजेशन दिया। दे वर एडवाइज दैट सी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दिया कि उसे हियरिंग जो एड्स हैं, जैसे हमने देखा होगा कुछ बच्चों को जिनको सुनाई नहीं देता, उनके एक छोटी सी मशीन वो कान में लगा के रखते हैं, वो हियरिंग एड्स हैं। तो उसे कहा गया कि बी सी शुड यूज हियरिंग एड्स। एंड नाउ दे आल्सो एडवाइज हर टू सेंड हर टू अ स्कूल फॉर द डीफ। और डीफ बच्चों के लिए जो स्कूल है स्पेशली, वहाँ पे उसे भेजने के लिए उन्होंने सजेशन दिया। Everything sudden look back, says Evelyn. Evelyn कहती है जब जैसे ही डॉक्टर ने उसे कंसल्ट किया कि भी से कुछ हियरिंग एड्स यूज करने चाहिए और उसे डीफ वाले स्कूल में भेज देना चाहिए, तो एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। मीन्स सी सीम्ड दैट समथिंग हैज़ बीन डिस्टोर, सब कुछ ख़त्म हो गया है। बट Evelyn वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन Evelyn अब पीछे हटने वाली नहीं थी। सी वॉज डेटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। उसने अपने आप का पूरा मन बना लिया था दैट के जो उसकी डिसेबिलिटी है वो उसको अपने बीच में नहीं आने देगी। सी विल ओवरकम हर वीकनेस एंड सी परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। और उसने डिसाइड कर लिया था म्यूज़िक में वो अपना जो इंटरेस्ट है उसे आगे बढ़ाएगी। वन डे सी नोटिस द गर्ल प्लेइंग एन एक्साइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रो ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। डिफरेंट लेंथ की आपको एक वुडन वाली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट शोज इन द पिक्चर। ये पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। तो उसने नोटिस किया कि भी एक गर्ल जाइलोफोन बजा रही है एंड डिसाइडेड दैट सी वॉन्टेड टू प्ले इट टू। और उसने डिसाइड किया Evelyn ग्लैनी के वो भी इसे प्ले करेगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। लेकिन जब उसने टीचर्स के साथ डिस्कस किया दैट सी वांटेड टू लर्न टू प्ले द जाइलोफोन, बहुत सारे टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, उन्होंने उसके को इंस्पायर नहीं किया, उसको मोटिवेट नहीं किया दैट बेटा यू आर डिसेबल बट यू कैन डू बाय सम अदर वे, नो वन हैज़ करेज्ड हर। बट परक्यूनिस्ट रोन फोब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन जो परक्यूनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु प्लेज ड्रम लाइक तबला, जो ड्रम और तबला बजाता है उसको परक्यूनिस्ट कहा जाता है, तबला वादक कहा जाता है। उनके एक टीचर थे रोन फोब्स, उन्होंने उसके इस पोटेंशियल को, इसकी क्वालिटी को, उन्होंने इसकी एबिलिटी को स्पोर्ट किया, उन्होंने उसको बार बार करेज किया कि भाई आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ही बिगेन By tuning two large drums to different notes. अब क्योंकि वो ड्रम बजाते थे इसीलिए उन्होंने ड्रम पर बड़े बड़े जो टू ड्रम्स उन्होंने लिए और उनके ऊपर अलग अलग नोट्स के साथ उन्होंने उसे बजाना स्टार्ट कर दिया।
एंड ही सैड डोंट लिसन थ्रू यूअर ईयर्स, उन्होंने कहा कि भी अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, लेकिन इसे दूसरे तरीके से अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स का यूज करो उसको फील करने में, उसको सेंस करने में. सेज एवलियन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. बाद में एवलियन आपको बताती है कि भाई जो हायर ड्रम की जो बीट्स है वो अपनी वेस्ट, अपने कमर से ऊपर वाले हिस्से से फील करती है, और जो लोअर वन है, जो जो लोअर पार्ट है, वो वेस्ट वाले, जो वेस्ट का नीचे वाला हिस्सा है, जो कम ट्यूनिंग वाला है, जिनका साउंड, जिनका रिदम, टोनिंग जिनका कम होता है, वो नीचे वाले पार्ट से फील करती है. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स जो उनके टीचर थे उन्होंने इस एक्सरसाइज को बहुत बार रिपीट किया, एंड सून एवलियन डिस्कवर दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और एवलियन ने ये डिस्कवरी किया और ये पाया कि वो इस तरीके के अलग अलग नोट्स को, हाई पिच को और डाउन पिच को अपने बॉडी पार्ट से, अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से फील कर सकती हैं. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, एवलियन कहते कि मुझे अपना दिमाग, अपना माइंड ओपन करने की ज़रूरत थी, उसको सीखना था ओपन करना, एंड बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना टू साउंड एंड वाइब्रेशंस को सुनने के लिए. द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल थी डिटर्मिनेशन और उनके हार्ड वर्क से. सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम द पॉइंट्स ऑनवर्ड्स, लेकिन उस गर्ल ने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मीन्स उन्होंने अपना करियर इसमें बनाए रखा. सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यंग ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम सी वॉज 16, जब वो 16 ईयर ओल्ड थी तब उन्होंने रॉयल अकेडमी का में जो ऑर्केस्ट्रा एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जिसमें इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किया जाता है और गाए भी जाते हैं, तो एवलियन ने उसमें परफॉर्म किया. सी आल्सो डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और तब से जब उसने परफॉर्म किया तो उसका डिटर्मिनेशन और जो हार्डवर्क था उसने उसको इंस्पायर किया, और अपना म्यूजिक के करियर में ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए डिसाइड कर लिया. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया था, एंड सी स्कोर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और इस अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाइएस्ट मार्क उन्हें मिले. सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, पहले उन्होंने ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे इसके लिए अपने आप को तैयार किया, लेकिन बाद में ऑर्केस्ट्रा से उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस दिया. एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स में करने के बाद बिल्कुल लैंडिंग पॉइंट में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और वो अपने टैलेंट से, अपने हार्डवर्क से उन्होंने इस फील्ड में, म्यूजिक की फील्ड में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते. एंड फॉर ऑल दिस एवलियन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और यहाँ पे एवलियन आपको कहती है कि भी मुझे इस हीरोइक कोई अचीवमेंट, इस तरीके का कोई हिंट मैं एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी. वो कहती है कि भी इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर आप कड़ी मेहनत करते हो किसी भी चीज़ के लिए और आपको पता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, तो नो डाउट आप उसको जल्दी से ही कवर कर लोगे, आप उसको जीत पाओगे. एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और उसने भी म्यूजिक की फील्ड में टॉप पोजिशन को गेन किया. द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल टू शेड्यूल, इसमें आफ्टर सोट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ड्रम होते हैं और उनको ड्रम को अलग अलग बजाना, मतलब को अलग अलग तरीके के बहुत सारे ड्रम को और एक साथ बजाना ट्यूनिंग क्रिएट करते हुए, दैट इज़ कॉल्ड सोट आफ्टर परकनिस्ट, और वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फेमस मल्टी परकनिस्ट बन गई विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने कम से कम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में मास्टरी गेन कर ली थी. एंड सी परफॉर्म्ड एट द इंटरनेशनल लेवल, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक भी परफॉर्म किया. तो द गर्ल हुज हियरिंग पावर हैज़ बीन इम्पेयर्ड विद द पैसेज ऑफ द टाइम बट सी डिडंट गिव अप, देखिए लड़की जिसने जिसकी सुनने की शक्ति चली गई थी लेकिन उसने उसको अपने करेज को नहीं छोड़ा
उनके जो टीचर थे रोन फ्रॉब्स उसके पोटेंशियल को सपोर्ट किया, और विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर उसने रियलाइज़ किया दैट सी कैन फील द म्यूज़िक फ्रॉम हर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. आफ्टर देन सी टुक एडमिशन इन रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. सी परफॉर्म्ड इन ऑर्केस्ट्रा. आफ्टर देन सी गेव द सोलो परफॉर्मेंस एंड सी हैज़ कैप्चर्ड मैनी टॉप अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हाफ फर्स्ट पार्ट. रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो. आई होप ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.